हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न होंगे। परमात्मा आपकी खुशी को हमेशा बनाए रखे, यही शुभकामना मैं प्रातःकाल आपके लिए कर रही हूं। मित्रों, आज मैं आपको बहुत खास जानकारी देने जा रही हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि रूप चतुर्दशी शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार काफ़ी भारी दिन होता है, बड़ा वार होता है। शनि मंगल भारी होते हैं प्राय, और शनि मंगल के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाले होते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जिनको पाप ग्रह जीना दुभर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये जो रूप चतुर्दशी है ना, इस पर कुछ खास उपाय आपको बता रही हूँ जिससे कि आपका रूप सौंदर्य भी बना रहेगा और आपके जीवन में खुशी के पल जो आप भूल चुके थे, खो चुके थे, वो पुनः वापस लौट कर आएंगे। क्या करना है आपको जानिए। उस दिन आप उपटन तो लगाएंगे ही, कोई भी उपटन आप लगाएंगे, घर का बना हुआ, बाजार का बना हुआ। जब आप उपटन से बत्तियां उतारेंगे मतलब जब हम स्क्रब करते हैं तो जो मैल की परत उसके साथ उतरती है उसको आपको इकट्ठा कर लेना है पूरा, और उसको एक लड्डू की तरह गोल बना लीजिए। उसके बाद उसको अपने हाथ में लेकर आप ये इमेजिनेशन करिए कि आपके बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना भी किया कराया था, जितना भी लोगों ने आपको आपके लिए बुरा बुरा कहा था, बुरा बुरा बोला था, जिससे आप उद्वेलित होते हैं, वो परेशान होते हो, चैन की दो सांस नहीं ले पाते, वो सब चीज़ें अब दूर हो जाएंगी। अब आप आराम से चैन की सांस ले सकोगे, खुशी से जी सकोगे, और आपके घर में जो दुर्जन लोग आपके घर में हस्तक्षेप करके आपके घर के माहौल को ख़राब करते हैं, जैसे कि आप कई नंदे होती हैं जो भाइयों को भड़काकर उनका जीना दुभर करती हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा कराती हैं, सासू कुछ बुरा करती हैं या पड़ोसी कुछ बुरा करता है, जो भी आपके लिए बुरा कर रहा होगा ना, वो विनाश को प्राप्त होगा, और जिसने भी जो किया कराया आपके ऊपर किया होगा कुछ गलत, वो उस पर ही लौट के जाएगा। ऐसी कल्पना करके ये सारी चीज़ें बोलकर आप एक ऐसी जगह पर जाइए जहाँ इजीली कोई आपको देख ना सके, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। ऐसा कोई भी रिस्क मत लेना जो डेंजरस हो, आपको बहुत इजीली कंफर्टेबली ये काम करना है, बहुत रिलैक्स होके। ये काम आप किसी गार्डन में भी कर सकते हो, कोई खाली ज़मीन कहीं पे पड़ी है जहाँ लोग अक्सर आते जाते नहीं है, वहाँ भी कर सकते हो। किसी को साथ लेके चले जाना, अकेले ऐसे कोई नहीं है कि अकेले ही जाओ, हस्बैंड है, घर के लोग भी साथ में जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वालों को ये बात नहीं बतानी है, चुपचाप करना है। वहाँ पर जाकर खड्डा खोदो, खड्डा इतना खोदो कि जो आपका पाँचों उंगलियाँ मतलब आपका जो हाथ है, आपका जो पाम है, वो उतना उसके अंदर आ जाए। इसके बाद उस लड्डू को वहाँ पर रख दो, और उसके बाद शत्रु का नाम लेके आप शत्रु का नाम कम से कम 7 बार लो, जिन लोगों ने आपको तंग किया है, उसके बाद उस खड्डे को भरते जाओ। भरने के बाद अपनी चप्पल लेके 3 बार उस खड्डे पर मारो और फिर वापस घर पे आ जाओ और स्नान कर लो। ये आप करके देखना, रूप चतुर्दशी के दिन आपको बहुत ज़्यादा से फ़ायदा होगा।